गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक फंक्शन। तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस इन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर फंक्शन होते हैं जैसे रिप्लेस है, रिपेयर है, ओवरहॉल है, आपका कैलिब्रेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वन बाय वन करते हैं सभी को। सबसे पहले देखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कोई आइटम खराब हो गया है, उसको आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो टू रिमूव अनसर्विसेबल आइटम एंड इंस्टॉल सर्विसेबल पार्ट। मान लीजिए किसी मशीन के अंदर आपकी बैरिंग लगी हुई थी और बैरिंग वियर एंड टियर हो गई है, वो खराब हो गई है, तो उसको आप उसकी जगह पे नई बैरिंग आप लगा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है कोई मशीन के अंदर मशीन ने चलना बंद कर दिया, मान लीजिए कोई मोटर ने चलना बंद कर दिया, कोई मोटर है उसमें कोई किसी जगह पर कोई दिक्कत है, तो आप उसको सर्च करोगे, क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे ट्रबल की फॉल्ट क्या है, और उसके बाद उसको सर्विसेबल कंडीशन में आप लाओगे, कैसे, जो खराबी है उसको सही कर दोगे आप, ठीक है। एंड रिस्टोर सर्विसेबिलिटी बाय करेक्टिंग स्पेसिफिक फॉल्ट। जो भी डैमेज हुआ है उसको आप सही करके उस मशीन को या उस कंपोनेंट को सर्विसेबल कंडीशन में ला दोगे आप, इसका मतलब होता है रिपेयर कर दिया आपने। नेक्स्ट होता है ओवरहॉल। ओवरहॉल इंपॉर्टेंट है, आपने इंजन में सुना होगा, इंजन सीज हो जाता है, बोल दिया इंजन इंजन ने काम करना बंद कर दिया, तो हम बोलते हैं कि ओवरहॉल करना पड़ेगा, कंप्लीट रिपेयर करना पड़ता है, जिससे कि वो दोबारा से सर्विस कंडीशन में आ सके। दैट मींस टू रिस्टोर एन आइटम टू ए कंप्लीट सर्विसेबल कंडीशन। करते कैसे है, मान लीजिए इंजन है, मारुति का कोई इंजन है, वो सीज हो गया, तो आप क्या करोगे, इंजन को कंप्लीटली डिसमेंटल करोगे, सभी पार्ट्स को वहां से निकालोगे इंजन में से, और इंजन में देखोगे, क्लीन करोगे सभी पार्ट्स को, और ये चेक करोगे कहां पर दिक्कत है, सभी पार्ट्स को आप चेक करोगे, ठीक है, और उसके बाद उसको आप सर्विसेबल कंडीशन में ले आओगे। इसके अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट डिग्री ऑफ मेंटेनेंस इन एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ओवरहॉल सबसे ज्यादा मेंटेनेंस इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, ठीक है। पर इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कंपोनेंट नया नहीं बन रहा है, सर्विसेबल ओनली कंप्लीट सर्विसेबल कंडीशन में आया, नया नहीं बना है वो, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट आपने उसके अंदर जो पुराने थे वही चल गए हैं, ठीक है, क्लीन करने के बाद कुछ काम करना शुरू कर दिया, कुछ आपको नए लगाने पड़े, तो बिल्कुल ही न्यू कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज फोर्थ, रीबिल्ड। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है रीबिल्ड। टू ब्रिंग एन आइटम टू, मतलब किसी भी आइटम को बिल्कुल ही न्यू उसमें लाना, ठीक है, बिल्कुल ही इसको हम बोलेंगे कि उसको बिल्कुल ही नए उसमें लाना, कि रिबिल्ड इंक्लूड द सर्विस जिसके अंदर नई कंडीशन, न्यू लाइक कंडीशन, बिल्कुल। टू ब्रिंग एन आइटम टू न्यू लाइक कंडीशन। अब थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसके अंदर और ओवरहॉल के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, रिबिल्ड के अंदर हम जो भी कुछ करते हैं, हमारा पर्पज होता है कि बिल्कुल नई कंडीशन में हो जाए, न्यू लाइक कंडीशन हो जाए आपकी, ठीक है। जबकि इसके अंदर मुझे कुछ नया नहीं है, मुझे उसको रनिंग में लाना है। मान लो इंजन ने काम कर दिया, करना बंद कर दिया था, तो मुझे इंजन को चलाना है, बिल्कुल नया नहीं बनाना है। रीबिल्ड के अंदर मुझे नया बनाना होता है, बिल्कुल जो नई टॉलरेंसेज है उसको उस रेंज में आना चाहिए उसको, ठीक है, रीबिल्ड होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है सर्विस और लुब्रिकेट। देखिए, सर्विस और लुब्रिकेट का मतलब क्या होता है, सर्विस और लुब्रिकेट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसको पीरियोडिकली हम परफॉर्म करते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशन में रहे, ठीक है। तो हम इसमें कौन कौन सी चीजें करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इसके अंदर पेंट किया, लुब्रिकेट किया, क्लीन किया, ये फंक्शंस इसके अंदर ये करते हैं, ठीक है। तो उससे होगा क्या, ये पीरियोडिकली करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म पीरियोडिकली, लाइक पेंट, लुब्रिकेट एंड क्लीन, सच दैट
the component will keep in serviceable condition, उस मशीन को या उस आइटम को सर्विसेबल कंडीशन में बनाए रखने के लिए इसको हम पीरियोडिकली करते हैं। आप देखा होगा मशीन को क्लीन करता है कोई भी ऑपरेटर है, उसको लुब्रिकेट करता रहता है, उसको पेंट करता रहता है, जिससे कि उसकी सर्विसेबिलिटी बनी रहे। तो ये पीरियोडिकली करने पड़ते हैं, ठीक है। लुब्रिकेट का मतलब आपको पता होगा, दो कंपोनेंट है अगर वो स्लाइड कर रहे हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए हम लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। पेंट का काम होता है वो, अगर मान लीजिए रस्टिंग है, रस्टिंग के चांसेस हैं तो आप पेंट कर देते हो उसे क्लीन, तो आपको पता ही है रस्टिंग से हटाते हैं इसको हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होता है कैलिब्रेट। कैलिब्रेट का मतलब समझ, देखो कैलिब्रेट हम यूज करते हैं उस कंपोनेंट्स के लिए जो आपको मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेशर गेज है, अब एक प्रेशर गेज जो आपने इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, मान लीजिए उसमें एरर आ गया, अब आप कैसे पता लगाओगे कि वो सही रीडिंग दे रहा नहीं दे रहा? तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है, ISO सर्टिफाइड होता है, उससे इसको कंपेयर करके देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रेशर गेज है, स्पोज आपके पास एक प्रेशर गेज है, वो रीडिंग दिखा रहा है आपकी, ठीक है, कुछ रीडिंग दिखा रहा है और आपको पता ही नहीं है, जीरो पे भी प्रेशर बिल्कुल जीरो है फिर भी कुछ रीडिंग दिखा रहा है, तो आपको पता लग गया कि कुछ ना कुछ एरर है इसके अंदर। तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे हम? एक स्टैंडर्ड हमारे पास एक स्पेसिमेन होगा जो कि ISO सर्टिफाइड होगा, तो दोनों को हम चेक करते हैं, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में क्या दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपका खराब रहेगा तो जो भी मेजरमेंट आप इससे लोगे वो सभी गलत होगी, इसीलिए हमें कैलिब्रेशन करनी पड़ती है टाइम टू टाइम। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप बार बार कुछ टाइम बाद आपको वो कैलिब्रेट करके देखना ही होगा, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। आपको लगता है कि बिल्कुल सही है मेरा कंपोनेंट, बट जो चेक करने वाला कंपोनेंट है वही खराब है, तो कैसे पता लगाओगे आप, ठीक है। तो ये हमारे मेन मेन बेसिक फंक्शन होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे हम एडजस्ट होता है, अलाइन होता है, ठीक है, तो वो बिल्कुल सिंपल है। तो हमने मेन मेन 6 बेसिक फंक्शन यहाँ पर पढ़ लिए। थैंक यू।